2 हफ्ते पहले बड़े दुखी मन से आए थे हमारे पास, और बुखार उखार और कितना कॉम्प्लिकेशन, पेट में भी सूजन थी, बहुत पता नहीं कॉम्प्लिकेशन थे, हीमोग्लोबिन भी मेरा कम था और यूरिन में भी इन्फेक्शन था और पथरियां फंसी हुई थी और वो निकल नहीं रही थी। हम बहुत परेशान थे, बुखार हमें लगातार 15 दिन से आ रहा था और हम डॉक्टर साहब के पास गए थे एलोपैथ वाले, और उन्होंने बताया कि आपके स्टेन निकलने के बाद से दोबारा स्टेन पड़ेगा, फिर आपके पेट में जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा, फिर हम आपका ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन से ही आपका निकलेगा। लेकिन इसी रास्ते से हम जा रहे थे, पता नहीं कैसे ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि डॉक्टर साहब के पास हम आ गए। डॉक्टर साहब ने पहले ही दिन से हमें दवाई दी और उस दवाई से हमें 200% लाभ हुआ, हमारी पथरी भी निकल रही है, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो गया है, हम अपना वर्क भी करने लगे हैं, गाड़ी भी चलाने लगे हैं और एकदम स्वस्थ हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं, पथरी का कोई पेन नहीं है। अधिक 2 हफ्ते पहले बड़े दुखी मन से आए थे हमारे पास, और बुखार उखार और कितना कॉम्प्लिकेशन, पेट में भी सूजन थी, बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, हीमोग्लोबिन भी मेरा कम था और यूरिन में भी इन्फेक्शन था और पथरियाँ फंसी हुई थी और वो निकल नहीं रही थी। हम बहुत परेशान थे, बुखार हमें लगातार 15 दिन से आ रहा था और हम डॉक्टर साहब के पास गए थे एलोपैथ वाले, और उन्होंने बताया कि आपके स्टेन निकलने के बाद से दोबारा स्टेन पड़ेगा, फिर आपके पेट में जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा, फिर हम आपका ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन से ही आपका निकलेगा। लेकिन इसी रास्ते से हम जा रहे थे, पता नहीं कैसे ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि डॉक्टर साहब के पास हम आ गए। डॉक्टर साहब ने पहले ही दिन से हमें दवाई दी और उस दवाई से हमें 200% लाभ हुआ, हमारी पथरी भी निकल रही है, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो गया है, हम अपना वर्क भी करने लगे हैं, गाड़ी भी चलाने लगे हैं और एकदम स्वस्थ हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं, पथरी का कोई पेन नहीं है। अधिक डॉक्टर साहब ने कोई गारंटी नहीं ली थी, डॉक्टर साहब ने कहा था मैं दवा दे रहा हूँ और आप दवा खाइए, जो काम करेंगी दवाइयाँ करेंगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। सुन लिया आपने? 3 दिन के बाद मैं आपकी पुनः जांच कराऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब हमेशा, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपके लिए मोबाइल पे उपलब्ध रहते हैं। और कहने का मतलब नहीं, मैंने सर कोई बड़ाई नहीं की है, मैं अपनी आत्मकथा बता रहा हूँ, अगर कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा, ये एकदम सत्य है कि उस दिन मैं नहीं फोन करके बताया, वो दवाई आपने जो डिवाइस वाली दी थी उसको मैंने कप में घोला और 2 ही चम्मच लिया, जिस पेन से मैं बहुत परेशान था, फीवर मेरा शरीर पे चढ़ने लगा था वो उतरने लगा। भाई साहब पथरी है और लिथोट्रिप्सी करा रहे हैं या सॉफ्टवेयर लिथोट्रिप्सी करा करके उसको तोड़वा रहे हैं, तो तोड़वाने के बाद होम्योपैथी अगर साथ में ले लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगी, वरना वो पथरी फंस सकती है, रास्ते में फंस सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एक साथ में एक एग्जांपल है, क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार नाम है मेरा। आपका पथरी तोड़वाई थी आपने 27 mm की? जी 27 mm की पथरी तोड़वाई थी KVMU में, फिर वो स्टैंड पड़ा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हुई। जी है ना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हुई, हमें बहुत सारे दुख का सामना करना पड़ा, बहुत सारे पेन का सामना करना पड़ा और ऐसी सिचुएशन में हम आ गए थे कि हमें अब क्या होगा, हमारा कुछ नहीं पता था। और अगर ये होम्योपैथिक दवा हम पहले ले लेते, ये स्टेन डलवाने के बाद में हमारे दिमाग में आया, अगर पहले ले लेते, या जो लोग लिथोट्रेप्सी करवा रहे हैं अगर वो लिथोट्रेप्सी करवाने के बाद में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनके शरीर के लिए और उनकी लाइफ के लिए और पथरी निकलने के लिए बहुत अच्छा होगा, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा और वो सुचारू रूप से निकल सकती है। अभी 2 हफ्ते पहले बड़े दुखी मन से आए थे हमारे पास, और बुखार उखार और कितना कॉम्प्लिकेशन, पेट में भी सूजन थी, बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, हीमोग्लोबिन भी मेरा कम था और यूरिन में भी इन्फेक्शन था और पथरियां फंसी हुई थी और वो निकल नहीं रही थी। हम बहुत परेशान थे, बुखार हमें लगातार 15 दिन से आ रहा था और हम डॉक्टर साहब के पास गए थे एलोपैथ वाले, और उन्होंने बताया कि आपके स्टेन निकलने के बाद से दोबारा स्टेन पड़ेगा, फिर आपके पेट में जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा, फिर हम आपका ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन से ही आपका निकलेगा। लेकिन इसी रास्ते से हम जा रहे थे, पता नहीं कैसे ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि डॉक्टर साहब के पास हम आ गए। डॉक्टर साहब ने पहले ही दिन से हमें दवाई दी और उस दवाई से हमें 200% लाभ हुआ, हमारी पथरी भी निकल रही है,
हमारा शरीर भी स्वस्थ हो गया है, हम अपना वर्क भी करने लगे हैं, गाड़ी भी चलाने लगे हैं और एकदम स्वस्थ हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं, पथरी का कोई पेन नहीं है, अधिकतर निकल चुकी हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट सब कुछ बयां करती है। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, आज ये बहुत स्वस्थ लग रहे हैं अपने आप, चेहरे का रंगत इनको बता रहा है कि ये अंदर से कितना फिट है और कहीं से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कहीं से कुछ नहीं, और सब जांचें भी करा करके हमने देख ली हैं, बिल्कुल पेशेंट ऑल राइट, ओके है, कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं। क्यों साहब, बीच बीच में जांचें भी कराई आपकी? जांच पूरी कराई है, ठीक है, बिल्कुल फिट है। चलिए डॉक्टर साहब का आशीर्वाद है। हाँ ठीक है, कैसा साहब का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा। हम तो कहेंगे सभी लोगों से, जितने लोग वीडियो देखें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर किडनी स्टोन है तो डॉक्टर साहब के पास आए और जल्द से जल्द अपनी पथरी का इलाज कराएं, इधर उधर होम्योपैथ में तो ना भटके और सर्जरी के चक्कर में भी मत पड़े, जब तक संभव है डॉक्टर साहब से इलाज कराएं और इलाज के साथ अपने शरीर को सर्जरी से और दुनिया भर की दवाइयां खाने से, जो 500 mg 1000 mg की दवाइयां खा खा के अपने शरीर का वो कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं, उससे भी बचें। और किडनी स्टोन के मामले में हमने पहले भी कई जगह होम्योपैथ की दवा ली है, लेकिन डॉक्टर साहब की दवाइयां ही इतनी अच्छी हैं कि आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगी, ना कोई देगा, इसका साक्षात मैं प्रमाण हूँ। मेरा नंबर रहेगा, अगर किसी को किसी भी प्रकार से अगर कोई शंका है तो मुझसे बात कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं जिस स्थिति में क्लिनिक पे आया था कि मैं अपने मन से इतना हताश था कि मैं भी ये नहीं सोच पा रहा था कि डॉक्टर साहब मेरी पथरी निकालेंगे और हमें, और सारे लोग परिवार के भी कह रहे थे कि अब ऑपरेशन ही कराओ, स्टेन ही डलवाओ और कोई रास्ता नहीं है, किसी ने सुझाव नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर साहब के आने के बाद में अंदर से 50% एनर्जी आ गई। डॉक्टर साहब ने कोई गारंटी नहीं ली थी, डॉक्टर साहब ने कहा था मैं दवा दे रहा हूँ और आप दवा खाइए, जो काम करेंगी दवाइयां करेंगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। सुन लिया आपने? 3 दिन के बाद मैं आपकी पुनः जांच कराऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब हमेशा, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपके लिए मोबाइल पे उपलब्ध रहते हैं। अगर एक दिन मेरे को पेन हो रहा था, मैंने डरते डरते डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब ने तुरंत हमारी कॉल अटेंड की, तुरंत हमें ट्रीटमेंट दिया। और डॉक्टर, मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब के जो 2 दिन से, एक रात से, एक पूरे दिन से, उसके बाद फीवर भी आने लगा था, डॉक्टर साहब से बात होने के बाद ही पेन चला गया। डॉक्टर साहब ने दवाई बताई, मैंने कप में घोली और 1-2 चम्मच ही दवाई ली, उसके बाद बुखार भी मेरा हल्का हो गया और पेन भी चला गया। मैं समझ नहीं पाया कि डॉक्टर साहब से अगर बात करने से ये ऐसा होता है तो फिर मैं पहले बात कर लेता। ये तो आपकी बड़ाई आपने कर रही, और कहने का मतलब नहीं, मैंने सर कोई बड़ाई नहीं की है, मैं अपनी आत्मकथा बता रहा हूँ, अगर कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा, ये एकदम सत्य है कि उस दिन मैं नहीं फोन करके बताया, वो दवाई आपने जो डिवाइस वाली दी थी उसको मैंने कप में घोला और 2 ही चम्मच लिया, जिस पेन से मैं बहुत परेशान था, फीवर मेरा शरीर पे चढ़ने लगा था, वो उतरने लगा, जो आपने वो दवा मैसेज करी थी ट्रेनाइट वाली, उसको तो बाद में मैंने रात में 9:30 बजे दवाइयां लेने के बाद में जबरदस्ती ले ली और वो दवा वैसी ही रखी है, तो हमें लगा कि आपसे बात करने के बाद ही पेन चला गया। सबसे अच्छी बात आपका ट्रीटमेंट का ये है कि अगर मैसेज कर दो तो मैसेज का रिप्लाई, और मैं डरते डरते आपको फोन करता हूँ कि डॉक्टर साहब कहीं ये ना बिजी हो। कोई डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से मिले हैं, कितना भी आपका खास डॉक्टर हो, लेकिन इतनी जल्दी फोन अटेंड करके आपको फोन पे कोई सुविधा नहीं देता है, नहीं बताता कि वही ये कहेगा रिसेप्शन पे बात करिए, क्लिनिक आइए। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि किडनी स्टोन रोगियों के लिए इतनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा, समय अच्छा रहा, तो किसी न किसी मंच से मैं डॉक्टर साहब का जरूर सम्मान करूंगा कि डॉक्टर साहब जैसे लोग भगवान है, कि आज के समय में किडनी स्टोन सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, और इसमें बहुत सारा एलोपैथ में लूट चल रही है और लोग परेशान है इससे, और अब उनका परिवार परेशान है, वो महंगी महंगी दवाइयां कर रहे हैं और लोगों का बहुत सारा नुकसान हो रहा है, और यहाँ तक है कि लोगों की किडनियां तक निकाली जा रही हैं इस स्टोन के चक्कर में। किडनी खराब भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जब बार खराब हो गई जब स्टोन हुआ, हमने भी इसी डर से ऑपरेट कराया, लिथोट्रिप्सी कराई, कि जब किडनी वहां जो है खराब होने लगी तो आपको निकालना ही पड़ेगा।
भाई बहुत दिन तक आप ट्रीटमेंट चलाएंगे और वो पता नहीं है, दवाइयां खा रहे हैं, सही नहीं निकल रही है, तो सही समय पे इलाज नहीं हुआ या जांच नहीं हुई तो कितनी खराबी होगी, डॉक्टर आकर में निकालेंगे। बहुत जरूरी चीज होती है, लोग अक्सर लोग फंस जाते हैं गलत तरीके के ट्रीटमेंट में। और ट्रीटमेंट क्या, एक्चुअली एलोपैथिक में भी बहुत अवेलेबल ट्रीटमेंट नहीं है, जितना हो पाता है उन लोग देते हैं अपनी तरफ से, जो होगा उनके तर्कस में तीर वही तो चलाएंगे बेचारे, वो भी क्या करेंगे जी? नहीं है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। तो प्रमोद जी आप क्या करते हैं पेशे से? पेशे से अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता हैं, कहाँ बैठते हैं? सिविल कोर्ट में बैठते हैं। सिविल कोर्ट में बैठते हैं, ये लखनऊ में है, ठीक है। तो आप सबको कुछ तो बात समझ में आई होगी कि पथरी को लेकर के इतना हवा नहीं क्रिएट करिए, और अगर आप लिथोट्रिप्सी कराए हुए हैं तो लिथोट्रिप्सी में होम्योपैथी का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, और प्रॉपर एक यूरिन को प्रॉपर ड्रेन करने का काम, पत्थरों के साथ साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से निकालना, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देना, ये होम्योपैथिक दवाई से बढ़ करके कोई दूसरी दवाई मुझे एटलीस्ट करते हुए नहीं दिखाई देती है। मैं तो इसी का प्रैक्टिशनर हूँ, तो इसी की बढ़ाई करूँगा, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो आप सब लोग बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।